हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। 13th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। यानी कि यहाँ पर एक सर्कुलर फ्लावर बेड है और इसके चारों तरफ ये 4 मीटर चौड़ा ये रास्ता बनाया गया है। इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है? 4 मीटर। यानी कि हम मान सकते हैं कि ये चलने के लिए ये रास्ता बनाया गया है। और फ्लावर बेड क्या होता है? जहां पर फ्लावर्स को प्लांट किया जाता है। और इसके बाद हमसे कहा गया है, द डायामीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। यानी कि ये जो फ्लावर बेड है इसका डायामीटर हमें दिया गया है 66 मीटर। What is the area of this path? और हमें इस पाथ का, इस रास्ते का एरिया फाइंड करना है। और पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको ये बताया था स्टूडेंट्स कि अगर आपको इस तरह से ये दो सर्कल्स दिए गए हों और आपको इन दोनों सर्कल्स के बीच का एरिया यानी इस पार्ट का एरिया फाइंड करना हो, तो इसके लिए आप पहले इस बड़े सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद इस छोटे सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे और फिर आप बड़े सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे छोटे सर्कल के एरिया को। और जब आप बड़े सर्कल के एरिया में से माइनस करेंगे छोटे सर्कल के एरिया को, तो आपको इस वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा। यानी कि इन दोनों सर्कल्स के बीच में जो ये पार्ट है, जो ये रास्ता है, इसका एरिया आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी हम यही करेंगे, हम इस बड़े सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, इस छोटे सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे और बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। अब अगर हमें इन दोनों सर्कल्स का एरिया फाइंड करना है तो हमें इन दोनों सर्कल्स की रेडियस पता होनी चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमें रेडियस का पता होना जरूरी है। पहले हम इस छोटे सर्कल की रेडियस फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू 66 मीटर। यानी कि ये जो छोटा सर्कल है इसका डायमीटर हमें दिया गया है 66 मीटर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल यानी कि स्मॉल आर, यानी कि हमने छोटे सर्कल की रेडियस को स्मॉल आर मान लिया है, इज इक्वल टू 66/2। तो जब हम इस डायमीटर का हाफ करेंगे तो हमें छोटे सर्कल की रेडियस पता चल जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, 66/2 को सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 2 से काटेंगे। अब देखिए 2 1 जा 2, और यहां पर देखिए 2 3 जा 6, ये 6 बचा, 2 3 जा 6, तो यहां पर हमें मिल गया है 33। तो यहां पर हम लिखेंगे 33 मीटर। तो ये जो छोटा सर्कल है, ये जो फ्लावर बेड है, इसकी रेडियस हमें मिल गई है 33 मीटर। और जो रेडियस होती है वो यहां सेंटर से यहां सर्कल तक होती है, तो 33 मीटर रेडियस यहां से यहां तक है। अब हम इस बड़े सर्कल की रेडियस पता करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक जो रेडियस है ये 33 मीटर है और इस पाथ की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो हमें 4 मीटर दी गई है। तो जो बड़े सर्कल की रेडियस यहां से यहां तक होगी, सेंटर से इस बड़े सर्कल तक, ये रेडियस हम कैसे पता करेंगे? ये 33 मीटर है, इसमें हम ये 4 मीटर ऐड कर देंगे, तो हमें बड़े सर्कल की रेडियस मिल जाएगी 33 + 4 यानी के 37 मीटर। तो यहां पर हम लिखेंगे रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल कैपिटल आर इज इक्वल टू 33 + 4। यानी कि हमने बड़े सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर लिया है और जब हम 33 को 4 के साथ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 37। तो यहां पर हम लिखेंगे 37 मीटर। तो ये जो बड़ा सर्कल है इसकी रेडियस हमें मिल गई है 37 मीटर। अब हमें इन दोनों सर्कल्स की रेडियस पता चल चुकी है। अब हम इन दोनों सर्कल्स के बीच का जो ये पाथ है, जो ये वाला पार्ट है, इसका एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल की जगह यहां पर हम एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे,
पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर बड़े सर्कल की रेडियस को हमने कैपिटल आर लिया है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस का साइन आएगा, और उसके बाद स्मॉलर सर्कल के एरिया के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो हमने स्मॉल आर ली है। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं कि पाई कॉमन है, तो हम पाई यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर, ये माइनस का साइन एज इट इज आएगा, यहाँ से बचेगा स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल आर स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्रॉस कर देंगे। पाई की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 3.14, कैपिटल आर स्क्वायर की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 37 स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल आर कितना है, बड़ी रेडियस कितनी है 37, ये माइनस का साइन एज इट इज आएगा। स्मॉल आर स्क्वायर की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 33 स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर यानी कि छोटी रेडियस कितनी है 33। अब ये 3.14 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, 37 स्क्वायर का मतलब होता है 37 मल्टीप्लाई बाय 37। जब आप 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 37 के साथ, तो आपको मिलेगा 1369, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1369, ये माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। 33 स्क्वायर का मतलब होता है 33 मल्टीप्लाई बाय 33, जब आप 33 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1089, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1089। अब ये 3.14 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, और जब आप 1369 में से माइनस करेंगे 1089 को, तो आपको मिलेगा 280, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 280। अब हम 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 280 के साथ, तो हमें मिलेगा 879.20, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 879.20 m². अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 280 के साथ, तो यहां पर हम 3.14 को बिना डेसिमल के लिख लेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 314 मल्टीप्लाई बाय 280, और जब हम 314 को मल्टीप्लाई करेंगे 280 के साथ, तो हमें मिलेगा 87920। अब यहां पर देखिए कि राइट से दो डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहां पर भी राइट से दो डिजिट के बाद यानी कि यहां पर डेसिमल आ जाएगा। तो जब हमने 3.14 को मल्टीप्लाई किया 280 के साथ, तो हमें मिला 879.20। तो एरिया ऑफ पाथ यानी कि दोनों सर्कल्स के बीच वाला जो पाथ है, जो रास्ता है, उसका एरिया हमें मिल गया है 879.20 m². आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।